राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कुशवाहा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं और कितनी संख्या है, ये सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, सार्वजनिक कर देने से नुकसान हो जाता है। कुशवाहा ने कहा कि कुछ बातों के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है, तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है, तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना चाहिए। तो कितने विधायक संपर्क में है, कितने नहीं, इसके लिए इंतजार करने के लिए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। और उन्होंने बड़ा दावा भी किया है कि कई नेता उनके संपर्क में है। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बढ़ गई है, सियासत जो है उसने कहीं और नया रफ्तार पकड़ लिया। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि कई नेता उनके संपर्क में हैं, हालांकि इंतजार करने के लिए भी उन्होंने कहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सामान्यतः इस तरह का बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक तो मैं नहीं कर सकता, कितने लोग संपर्क में क्या है, उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो ये बयान अपने आप में बड़ा ही कह सकते हैं कि राजनीतिक हलकों में बड़ा ही कौतूहल पैदा करने वाला बयान है। उन्होंने किस पर कहा, अब ये तो क्योंकि कहा जा रहा है कि जेडीयू और राजद और कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये कह पाना मुश्किल है, हम बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कितने लोग संपर्क में क्या है नहीं है मैं अभी नहीं कर सकता हूं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ा बयान है उपेंद्र कुशवाहा का। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अभी मीडिया से बात करने के बाद वो अभी निकल गए हैं, ललन सिंह ने उन्हें बुलाया अपने चैंबर में, और अभी जो विधायकों से बातचीत चल रही है उसी पर ललन सिंह उससे भी मंतव्य लेना चाहते हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। तो ललन सिंह का जो ये बयान है ये अपने आप में बड़ा ही माफ करेंगे उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान जो है अपने आप में बड़ा ही राजनीतिक कौतूहल पैदा करने वाला है कि क्या सही में जेडीयू के संपर्क में किस पार्टी के विधायक संपर्क में है, कौन कौन विधायक संपर्क में है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खुलासा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक हलकों में क्या मतलब निकाला जाता है, और क्या यह बयान आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक विघटन पैदा बिहार में कर पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारियों के लिए।